फोटोशॉप से DWG में कैसे जाए? फोटोशॉप से DWG में आप लेके क्या जाना चाहते हो, डिपेंड करता है। फोटोशॉप से लेके क्या जाना चाहते हो आप, कुछ कोई शेप है या कोई लोगो लेके जाना चाहते हो? ओके, लोगो क्रिएट कर रहे थे, राइट। तो फिर जैसे अभी DWG में लेके जाओगे ना आप, तो आपको जैसे लाइक एज अ इमेज तो नहीं, आपको तो एक उसका वेक्टर चाहिए रहेगा, ठीक है, वेक्टर फॉर्मेट। तो मैं यहाँ पर कहाँ गया, हम तो एक लोगो ले लेते हैं। उसको अगर मैं चाहता हूँ कि इसको मैं ऑटोकैड में चाहिए इसको लाइक, तो सिस्टम क्या है आपको, अगर सीधा अगर फोटो किसी को करना है तो, या फिर आप सीधा कन्वर्टर ले सकते हो, क्योंकि इसमें तो मेरे को ऐसा ऑप्शन नहीं मिल रहा है। या फिर एक चीज़ कर सकते हैं, अभी ये हमारे पास AI में आ गया है, ठीक है, तो हम लोग इसको एक वेबसाइट पे जा सकते हैं जिससे हम लोग बोलते हैं AI to DWG कन्वर्टर कन्वर्जन। तो हम लोग इस पे जाए, DXF भी ले सकते हैं या DWG DXF भी ले सकते हो। DXF भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, AI to DWG DXF की जगह पे भी काम कर सकते हैं। तो इमेज को DXF में करते हैं डायरेक्ट, फिर इसको ओपन करते हैं यहाँ पर। हाँ ये हो गया, मगर अच्छी क्वालिटी का नहीं आया यार, क्योंकि उसने ट्रेस अच्छे से नहीं कर पाया उसको। देखो क्या है ना, इसमें क्या कलर वेरिएशन बहुत ज़्यादा है इमेज के अंदर, और इस तरह के काफ़ी कलरफुल इमेज मिल रहे हैं, तो आपको इमेज को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ऐप से करना है तो अच्छे से, तो ये इससे तो हो नहीं पाएगा, ये तो समझ में आ गया। तो इसके लिए सीधा सिंपल क्या है कि आपको पहले तो ये जो इमेज है, उस इमेज अगर इस तरह का कलरफुल इमेज, थोड़ा सा एक शेड वाला इमेज है आपके पास, उसको ब्लैक एंड वाइट कर लो। ब्लैक एंड वाइट लाइक पूरा ब्लैक या वाइट, लेबल्स में जाके ब्लैक कर लो, ठीक है, तो पूरा ब्लैक की बाउंड्री इसको मिलेगी अच्छे से, तो अच्छे से ट्रेस कर पाएगा। ओके, फिर इसको कर लो एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट इमेज। इमेज हमने बहुत ही छोटी ली है, तो इसलिए डिटेलिंग में बहुत ही ज़्यादा टाइम जाएगा इसमें, यानी कि उसका छोटे टेक्स्ट तो नहीं ले पाएगा, बड़े टेक्स्ट को तो ले ही लेगा, ले लेना चाहिए। तो इसको मैं सेव करता हूँ, फिर मैं दोबारा जाता हूँ उसी वेबसाइट पे, जिस वेबसाइट से हम लोग कर सकते हैं कन्वर्ट टू करके, इस वेबसाइट पे था, तो मैं वहीं पे जाऊँगा फिर से वापस। तो इधर पे से मैं फिर से इमेज जो है अपनी इमेज को, जो इमेज थी हमारी ब्लैक एंड वाइट में ये वाली, इसको ओपन कर लिया, ठीक है। इस इमेज को DXF में कन्वर्ट करेंगे, एंड कन्वर्ट, ये ऑलमोस्ट अभी तो आई थिंक सो हो जाना चाहिए। डाउनलोड एंड सेव, अभी इसको इंपोर्ट करके देखते हैं। ये था पुराना वाला हमारा नंबर टू, ओपन। अभी देखो ये काफ़ी अच्छा आ गया इसमें टेक्स्ट, क्योंकि मैंने ब्लैक एंड वाइट किया तो मेरे में ये टेक्स्ट देखो काफ़ी हद तक सही सही आ गया है। इस तरीके से आप कर सकते हो, देखो टेक्स्ट भी पूरी तरह से पूरा बने बनाए, पूरा लाइंस बन बन के आ गई है, सब कुछ ऐसे बनी बनाई आ गई है। आप ऐसा ट्राई कर सकते हो, ऐसे क्रिएट कर सकते हो। पहले तो क्या कि जो भी आपके कोई लोगो है काफ़ी कलरफुल है, तो उसको ब्लैक एंड वाइट कीजिए या फिर कलर टोन दीजिए। अगर उसके अंदर काफ़ी ग्रे स्केल है, शेड्स हैं, तो उसको आप एक कलर टोन में दीजिए, यानी कि एक ही कलर दीजिए ब्लैक एंड वाइट, तो क्या है वो फटाक से ट्रेस कर लेगा, अच्छे से आ जाएगा फिर। क्योंकि ये नीचे का ट्रेस क्यों नहीं आया अच्छे से, क्योंकि जाके काफ़ी छोटा साइज़ का इमेज था, बड़ा साइज का इमेज होता है फटाक से कर लेता वो। ओके, इन्होंने ये भी भेजा है, उन्होंने कुछ इमेज इस तरीके का, उसे भी आपका ब्लैक एंड वाइट है तो काफ़ी इजी हो जाएगा। अभी जैसे कि मैं इसको ही अगर मैं करता हूँ यहाँ पर, इसी इमेज को, अगर ये ब्लैक एंड वाइट है ज़्यादा दिक्कत नहीं है इसमें, आप इसको भी, इस लोगो को भी कर सकते हैं आराम से, इसको भी कर सकते हो। तो इस इमेज को सीधा आप जो मैंने ऐप एक वेबसाइट बताया था, जो हम लोग यहाँ पर कर सकते एक कन्वर्ट टू करके वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आप जाओगे सीधा, आप JPG को, जो भी JPG है, आप उसको DXF में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। बस होना चाहिए कि जो आपका इमेज है वो अच्छी क्वालिटी का हो, तो अच्छी क्वालिटी का नहीं हो तो फिर वो ऐसे ही कुछ भलती कन्वर्ट करके दे देगा। अभी इसको अगर मैं देखूँ तो ये भी ठीक ठाक है, मगर फिर भी जाके कुछ कुछ काफ़ी ब्लरी ब्लरी से आ रहे हैं,
इमेज काफ़ी क्लियर नहीं है, ठीक है। तो बोले अभी इसको अच्छी क्वालिटी कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं एक चीज़ ट्राई कर सकता हूँ, जो गीगा पिक्सल करके मेरे पास एक ऐप है, मैं उसके ज़रिए करता हूँ, जो लो क्वालिटी के जो इमेजेस हैं मैं उसको अच्छी क्वालिटी का बनाता हूँ। तो मैं इसको क्लिक करके ड्रैग करता हूँ, देख सकते हो काफ़ी इधर ब्लरी ब्लरी है, और इधर पे आप देखोगे ये काफ़ी हद तक इसके जो एजेस है क्लियर हो गए हैं, काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं एजेस। तो इसको मैं आसानी से ट्रेस कर सकता हूँ, इसको मैं सेव कर लेता हूँ उसी जगह पे, और यहाँ पर मेरा 1000 के साइज़ वाला जो इमेज था आपका 6000 के साइज़ में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखोगे ये आपके दिए हुए इमेज थे, ओके। तो इसको मैं नहीं करूँगा, इसके जगह पे मैं करूँगा हमारा ये वाला गीगा पिक्सल वाला इमेज, ठीक है। इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे कैट फाइल के डेस्कटॉप फॉर्मेट में, एंड कन्वर्ट करते हैं, इसको डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड हो गया हम, और फिर हम लोग चलेंगे कैट फाइल में, यहाँ पर आ गया। फिर अगर मैं यहाँ पर उसको करता हूँ ओपन, ओपन भी कर सकते हैं, ये वाला फाइल था तो इसको करता हूँ ओपन, इधर गया, हाँ ये रहा पूरा कंप्लीट, पूरा पूरा कंप्लीट, पूरा आपका लोगो पूरा कैट फाइल में बन के आ गया, पूरा देख सकते हो पूरा कंप्लीट, जो भी शेप था इसका सारा शेप पूरा कैट फाइल में बन के आ गया आराम से, पूरा टेक्स्ट के साथ में अच्छे से क्लियर क्लियर टेक्स्ट के साथ में बन के आ गया। क्योंकि मैंने इसके जो इमेज की साइज़ है उसको ही बढ़ा दिया, तो उसको ट्रेस करने में काफ़ी आसानी हो गई, बड़ा सा ट्रेस भी कर दिया जैसा था वैसा वैसा ट्रेस भी कर दिया इसमें, ठीक है। तो ऐसे कुछ कर सकते हो। pixiv.com, यहाँ मिलते हैं आपको 3D मॉडल, सीन फाइल, टेक्सचर और ट्यूटोरियल्स। और भी आ जाने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाके आप विजिट कर सकते हो। इस तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हो आप लोग तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाजू के बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।